प्यारे विद्यार्थी अध्यापक साथी, जिवें कि तुहानू पता आपां 9th ते 10th दी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तां मेरे कुछ अध्यापक भैणां भरावां दी इह वी मंग है वी 8वीं लई वी वीडियो अपलोड कीती जां। तां जिवें कि तुहानू पता है मई महीना चल रहा है, ते मई दा इस वक्त जिहड़ा 8वीं दा चैप्टर चल रहा, थर्ड चैप्टर चल रहा है। बाकी चैप्टर आपां फिर अपलोड कर देंगे, पहलां थर्ड दी ज़्यादा मंग है वी थर्ड चैप्टर पाया जाए। अध्याय तीजा चतुर्भुजावां समझना। एक्चुअली चतुर्भुजा की चतुर चार, चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजावां। जिहदियां चार भुजावां ने वो की है चतुर्भुज। हुण आपां स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग दे विच बहुत कुछ सीखने की लोड़ है, क्योंकि ये तो सिंपली एक डेफिनेशन है भी जिसदियां चार भुजावां ने वो चतुर्भुज है। ठीक है, परंतु इदां नहीं हैगा। ये सब तो पहले शुरू होंगे वाकर। वक्र की है मतलब, वक्रता भाव कोई भी किरती जिवें मैंने बनाती की है, एक किरती एक वक्र है। इतने ये कहना चाहते हैं समतल वक्र। समतल का भाव जिहड़ी किसी एक तल के उत्ते हो, जिवें गेंद है वो एक तल के उत्ते नहीं हैगी, एक चक्कर है ये तल के उत्ते है। तल मतलब जिवें ब्लैक बोर्ड के उत्ते वाइट बोर्ड के उत्ते आपां बनाता, ये की बन गया एक वक्र है। इतने वक्र की परिभाषा की ली जाती है, थोड़े लिए इन्ना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ समझो वक्र मतलब की है। भी वो किरती जेडी सिंपल लिखना है, पेन बिना चक्के बने, जेडी किरती पेन बिना चक्के बने। देखो थोड़ी बुक दे लिखा है, जब तुसी कागज तो पेंसिल नू चुके बिना बिंदुओं नू आपस विच जोड़दे हो तां तुहानू एक समतल वक्र प्राप्त हुंदी है। जिवें मैं इत्थों पेन चक्या, घूमी गया घूमी गया, इत्थे वापस आ गया, की बन गई एक वक्र बन गई। ये बंद है, ये खुली है, ये बाद दी गल है, ये पहले नंबर ते की है एक वक्र है। ठीक है, तां इन्हां ने तुहानू कुछ चित्र दे रखे ने, जिवें पहले ही चित्र है की है साधारण वक्र जो बंद नहीं, साधारण वक्र जो बंद नहीं। पहले का सी नाल मिलान होना है, दूजे विच की है बंद वक्र। ठीक है, आ गई बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, आ जी आ गई साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, हूँ अपने को आ गई एदा की शेप। ठीक है, एक सारिया की ने एक तरह अपने को वक्र ने, अगे की है ये बंद है, ये बंद नहीं हैगी, ये बंद है, ये खुली है, ये बाद की गल है। आप देखांगे जिवें जिवें चैप्टर चलूगा, मैं ज्यादा तुहानू इहदे विच कंफ्यूज नहीं करता। फिलहाल सिर्फ इन्ना ही याद रखना है भी वक्र की हुंदी है, भी जिहनू आपां पेन बिना चक्के बना दी। जे पेन चक लिया बनाउंदे वक्त, जिवें कई वारी पजल आ जांदी है ना भी बिना पेन चक्के तुसीं आ नौ लिखो इदां करो उदां, अगे आ जांदा बहु भुज। दूजे शब्द की है बहु, बहु का मतलब बहुतियां, बहुतियां मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब उत्त जे एक है, एक तो जिन्निया मर्जी वध होना आपां उहनूं बहु बोल देना। बहु मतलब बहुतियां, एक ना हो एक तो की होण वध होण। दो भुजावां नाल लिख लीए, दो भुजावां जिवें मर्जी लै लो इहने बंद नहीं होना, इस करके इहनूं आपां विच गिणदे नहीं। तां घट्टो घट किन्नियां भुजावां लैने आपां, तीन, एक दो तीन, एक ही एक बहुभुज। किन्नियां भुजावां ने, एक दो तीन चार, इहनूं तीन भुज वाली नूं की बोलदे ने आपां त्रिभुज, चार वाली नूं चतुर्भुज। किन्नियां भुजावां ने, एक दो तीन चार पांच, एक ही बोलदे पांच भुज। जे छे ले लाँगे छे भुज, सत्त ले लाँगे सत्त भुज। वक्रां जो बहु भुज ने, ये वक्रां ने जिहड़ियां बहु भुज ने, जिवें इदां दी लड़ी करती। हालांकि इहदे विच पेन नहीं चक्किआ, मैं देखो इदां शुरू होया जा रहा, फिर मैं इदां कीता। ये वक्र है लेकिन इहनूं बहु भुज नहीं कह सकते। हालांकि इहदे विच भुजावां कितनियां ने, एक दो तीन, एक दो,
तीन भयावान ने परंतु यह बहु भुज नहीं है। मैं जी चार करते हैं हूँ भी यह जी है तो बहु भुज नहीं है। ठीक है आप ये नहीं पाते चक्कर च अगे आप देखा हम बहु भुज के अगर अपने दो किस्म आ जाए ने मेनली जी आप गल करा उत्तल दूजी आ जाएंगे आप जिन्ना कम अज तक पहली तो लैके आया मतलब सत्तवीं तक सीखिया वह सारी आप जिन्हों की गल कर दें उत्तल की अबतल तो एक मतलब टेढ़ी जी किस्म है अपने ये बड़ा कुछ रोका भी सिर्फ सीख सिखाने वाली कमी है भी अपन पता लग जाए अगे थोड़े तो पेज के लिखा वा देखो त्रिभुज जिच तीन पजामा ने चतुर्भुज चार पजामा पांच पजामा छे पजामा सत्त भुज अठ भुज जिन्ना मर्जी देखी चलो कोई दिक्कत नहीं उत्तल दे विच की है बेटा सिंपल उत्तल उत्तल ठीक है होर ले लो चार भुज पांच भुज मैं ले लेना चार भुज पांच भुज छे भुज सत्त बना लो सत्त भुज अठ भुज जिनी मर्जी बना सकते सारे की है उत्तल ने जे मैं इदा की शेप बनावा जब मैं इदा की शेप बना जिम्मे ने बनाई हुई है इन्होंने कुछ अपने को शेप दी है मैंने बुक दे एक की ने अत्तल एक दिमाग के मेरे एक क्वेश्चन यह होया भी बच्चा किमें इस गल देख सकता या समझ सकता भी उत्तल है अत्तल है बहुत सारिया मतलब कहें परिभाषा ने बुक दे पर एक देसी आ ढंग बहुत देसी ढंग है मेरा अपना बनाया गया मैं किसी ना किसी मैंने बुक के पढ़िया बहुत सौखा ये किनिया भयावान ने चार चार किसी मर्जी भुजा बधा दो लो जिम्मे एक नंबर भुजा बधाता बधाने तो बाद देखो पूरी की पूरी आकृति किधरले पास है ये जो इको पास है देखो सारी किधर है नीचे मैं यदि भुजा बधाता सारी आकृति किधर है इधरले पास मैं आप भुजा बधाता सारी आकृति किधर है इधर मैं इनू बधाता पूरी देखो इधरले पास कुछ है नहीं है ना उपर न सारी आकृति कितने है उपर ये मैं आवली भुजा बधाती तीन नंबर भुजा मैंने की करता बधाता उपर लै गया तो सारी आकृति कितने देखो ये उपर है कि नीचे है नीचे मतलब जे किसी भी भुजा बधा दिए मैं लिख दिन किसी भी भुजा बधाओ देखो पूरी बहु भुज एक पासे है एक पासे है या नहीं जे है बहु भुज कि उत्तल नहीं कि अपने को अत्तल जे एक पासे है तो उत्तल जे वह दो हिस्से च वंडी गई तो उन्हें की बन जाना अत्तल किवें देखो ध्यान मैंने आ वाली भुजा बधाता एक दो तीन चार तीन नंबर मैंने की करता बधाता हूं देखो की हो गया अद्धी इधरले पास अद्धी किधर भागी उपर मतलब वो दो हिस्से बन गए अकेते इन बधाता मैंने एक दो तीन चार पांच मैं पांच नंबर को बधा रहा मैंने बोलिया किसी भी भुजा किसी भी ये ना कहते कहते एक बधा दी पांच बधाती मैंने पांच नंबर भुजा बद गई देखो आ हिस्सा किधर आ गया तीन नंबर के इधरले पास पांच बधाने तो बाद ते बाकी हिस्सा कितने उपर तो जो भुजा ने उन्होंने दो हिस्सों च वंडता तो उदो की है अवतल जे उन्हें दो हिस्सों च नहीं वंडिया इको साइड पर है तो की है उत्तल जे है इको पास तो उत्तल जे नहीं है तो अवतल बड़ा सौखा जहा कंसैप्ट है बहुत ही ईजीली समझ लग जाता आराम देख के दसी चलोंगे
कोई एडा काम ही नहीं है। अगे कहते आज प्रकृति है तो जो कुछ ये अंदर है इन बोलते हैं अंदरला भाग, तो जड़ा इतने है इनू कहड़ा बोलते हैं बाहर। ये तो सिंपल ही है, जो अंदरले पासे है वह अंदरला, जो बाहर है वह बाहर। ये ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो उपर है उन्होंने बोलते हैं जो इतने होगी इनू उपरला भाग। ठीक है, अगे आप एक कहते विकरण है, ये मैंने चार भुज बना ली, मैंने चतर भुज जे अपोजिट मैं चार नाम दे देना, जे अपोजिट मतलब ए दे नाल केड़ी भुजा लग रही है बी आपणी, दूजी केड़ी भुजा ए डी, तो ए दे नाल केड़ी भुजा नहीं लगती, आ दोनों नहीं लगते, सामने बिंदु नूं जे मिला दिए इनू की बोलते ने विकर्ण, की बोलते ने विकर्ण। तो एक चतुर्भुज किन्ने विकर्ण होंगे ने दो, एक विकर्ण केड़े केड़े ने दो ने, एक ए सी अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक दूजे के सन्मुख सामने लैने ने ना लगने नहीं लैने, ए सी दूजा केड़ा बी डी, तद कौन चुके दसो किन्ने हो गए, तद कौन च विकर्ण किन्ने हो गए, ए देखो बेटा सारी भजावा लगिया ने, आ भी लग रही है आ भी आ लग नहीं रही, परंतु ये आप मिला ही नहीं सकते क्योंकि बी बी भुजा गई, सी सी भी भुजा रही, तो अपने को बिंदु नहीं बचे, तो यह विकर्ण किन्ने हो गए जीरो, तत् कौन च विकर्ण किन्ने होंगे ने जीरो। ठीक है, अगे थानू भी दसागे थोड़ा नंबर ही स्टार्ट होने वाली है, बस तो अपना स्टार्ट ही कर दें, जिमें जिमें कोई चीज होर आई जाऊ ना दस जाएगा। अभ्यास 3.1 ये ना कुछ इन्होंने बड़ा शक्ल बनाई हुई है, एक दो तीन चौथी क्या सूर्य बनाया पंचमी छे सत्तवी है, कहते इन्होंने अपन की दिखाई ने सधारण मगर सधारण बंद वक्र बहुभुज उत्तल अवतल। वैसे तो मैथ ही पहुंच चुके ने, तो रकम ने चलो सारी लिखती, एदा मेरे को सत्त शक्ल बनिया हुई ने, उन्होंने सिर्फ यह पूछा भी ये दसो भी आ जी कृति है ये इन्हों चो की है, बकर मैंने इतो बैन चक्या ऐदा करके गया ऐसी फिर वापस आ गया, इतो स्टार्ट होया कि है सधारण बकर, ए सधारण बकर हैगी है, हम देखो कि बंद भी है, हाँ यह बंद है, मेरे को कोई चीज रखती मान लो मैंने बिंदु रखता यह बाहर जा सकता इतने टकरा जू इधर किसी रोड निकल सकता पिछले बार, मैंने मुंडा बनाता कि मुंडा भज सकता पिछो, ये मुंडा भज नहीं सकता पिछो, ए की होगी बंद भी होगी, बहुत कुछ ये बेटा भजावा भी सही नहीं है, तो की अपनी बहुत कुछ भी हैगी है, तो यह आ भी है आ भी है आ भी है, हूँ देखो कि उत्तल है का अवतल है, क्योंकि इन दोनों चो दोनों चीजा नहीं हो सकती, ज उत्तल हो जा अवतल हो, हूँ उत्तल है का अवतल है, मैं यदि भुजा लेती आवली मैं बधाता बधाने से मैंने की देखा दो टोटे हो गए कि इधरले पास एक इधरले पास, तो यह मतलब ए डी नहीं है, की है ई है,
केड़ी है अब तल, ए वाली शक्ल केड़ी बहुभुज है अब तल आड़े में। हम दूजे च देखो साधारण वक्र इतो शुरू है ता ए हैगा बंद, लो जी ये भी मुंडा बना था अपने की यह मुंडा भज सकता है नहीं भज सकता सारे पास घिरया गया जेल दे विच बंद है ता ए बी भी हैगी है ए बी बहुभुज चार भयावान ने साफ दिख रही ने तो बहुभुज भी हैगी है ए बी सी उत्तला का उत्तला कोई भुज बढ़ा लो दी इधरले पास जे मैं आप बताऊंगा तो इधरले पास तो यह की अपने को उत्तर है। हम जो तो उत्तल होगी तो अवतल नहीं हो सकती ध्यान रखे। हूँ आ गई तीजी की ये वक्र हैगी है मैंने पेन शुरू किया मुक गया इतने आगे आ गई कोई भी ऐदा मेरे को सिस्टम नहीं है मैं दो चक्कर इदा दे बना दा बिना पेन चके तो यदा मतलब वक्र ही है नहीं यदा मतलब वक्र नहीं है जो तो वक्र ही नहीं हैगी तो फिर बंद ना बंद क्योंकि सारिया वाकरता है जी तीजी है ये कुछ नहीं है जी कोई किस्म नहीं है इन्होंने पंजा के कोई किस्म नहीं है। हम इधर आ जाओ मैंने पहले इतों रख लिया इतनी वापस आ गया यदा मतलब साधारण वक्र हैगी बंद मैंने फिर निका काका बना पे ये काका भज सकता है नहीं भज सकता काका बंदी है ये बी भी हैगी कि ये बहुभुज है बेटा देखो ये भुजावा ही है नहीं ये भुजा थोड़ी नहीं तो वैसे ही आंडे जो बने हुए ने यह बहुभुज नहीं है तो सी नहीं है जो बहुभुज ही है नहीं तो फिर बहुभुज के अगे किस्म तो कितों होनगियां जो बहुभुज ही नहीं हैगी तो यह दोनों होने का सवाल ही पैदा अगे अंडा शायद शेप है इतों मैं शुरू होया ठीक है तो कि बन गई सुधारण बंद यह बंद है कितों भी ये कोई भी बंदा नहीं भज सकता तो बहुभुज ता नहीं हैगी क्योंकि भजावा ही नहीं है ये तो एक ओवल शेप बनी हुई है इतने भी यही है जी आ जाता है गुलाई च है ठीक है इतों बैल रखिया इतनी फिर मैं पहुंच गया तो यह है बंद भी हैगी ए मैं इतने बैन रखा घूमी 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 इतों फिर इतों पहुंच गया इतने मैं ठीक है तो यह कि बन गई सुधारण बन गई बंद जे ए कोई गाका फस जाए तो वह बाहर नहीं भज सकता तो यह बंद भी हैगी पर बहुत कुछ क्योंकि चक्कर बनया हुआ है जिमें इतने चक्कर बनया हुआ सीता बहुत कुछ नहीं हैगी ना बहुत कुछ अगे किसी नहीं हो सकता तो नोट कर लो बड़ा ही सौखा सी काम ठीक है रब कर दी है स्क्रीनशॉट खिंच लिया करो बेटा फिर तुम्हें सौखा हो जाता दोबारा देखा जो नहीं स्क्रीनशॉट खिंचते तो तुम दोबारा देख सकते हो वीडियो कोई दिक्कत नहीं हैगी सौखा जहा करना है कोई हेठ लिखिया विच किन्ने विकर्ण ने किहदे च उत्तल चतुर्भुज मैंने तुम्हें पहले ही आख्या ना गल्लां ही उत्तल दियां होणगियां ज्यादा लो जी उत्तल बनाती मैंने की पूछे ए बी सी डी मैं पहला समझाता सी किन्ने विकर्ण होणगे एक लो जी दो किन्ने विकर्ण ने दो एक सम छे भुज केड़ी लैनी है सम छे भुज सम का मतलब समान छे का मतलब छे भुज का मतलब भुजावा लो जी मैं कोशिश की एको जहा भजावा एक दो तीन चार पांच छे ए बी सी डी ई भजावा मैं ढा देना थोड़ी दिक्कत ना आए सिर्फ तुम्हें समझाने वास्ते लिखा किन्ने विकर्ण होंगे ये लो जी मैं ए तो शुरू कर दू एक दो किन्ने विकर्ण बन गए तीन होर देखो
ए तो शुरू किया, बी तो कर लो, एक दो तीन, पहला ए तो शुरू किया, एक दो तीन, फिर बी तो शुरू किया, चार पांच छे, फिर हम सी तो शुरू करो। देखो इधर नहीं जा सकते, पहला जा आप चले गए, हूँ आ गए एफ नू, सत्त अठ, ठीक है। होर देखो किन्ने बन गए मेरे को, सी तो ए तो किन्ने बिंदु बने सी, तीन, बी तो शुरू किए फिर तीन, सी तो किए दो, केड़े केड़े सी एफ सी ई, हूँ डी तो, डी तो देखो बी नू जांदा है, ए नू भी जांदा, की नू भी जांदा, एफ नू, किन्ना बन गया, डी तो किन्ने चले गए, एक। अगो देखो ई तो एक बिंदु तो मैक्सिमम तीन ही जा सकता है, वध तो वध तीन जा रहे ने, एक दो तीन, एफ तो भी तीन, एक दो तीन, तो कुल किन्ने बन गए, तीन तीन छे, ते दो अठ, ते एक नौ, तो कुल किन्ने विकर्ण ने, नौ। एक त्रिभुज दे हुण कहिंदे त्रिकोण दे किन्ने विकर्ण होणगे, पहले ही किया त्रिकोण दे बेटा किन्ने विकर्ण होंदे ने, कोई नहीं, किन्ने विकर्ण होंदे ने, विकर्ण बराबर है जीरो, क्योंकि ए तो पहले ही पूजा जाई है, उसका पजामा ने विकर्ण नहीं है, तो याद रखियो त्रिकोण दे विकर्ण जीरो, चतुर्भुज दे दो, ते सम छेभुज दे नौ। इधर रिलेटेड तो के फार्मूले वगैरह भी आओगे, जिम्मे जिम्मे आई जाते सू दसिया, क्योंकि हजे तुम छोटे हो, उलझना जाइए, ठीक है। तीजा सवाल है, उत्तल चतुर्भुज दे कोणां दे माप दा जोड़फल की है, उत्तल चतुर्भुज कोणां दा जोड़, कोणां दा किन्ना अंतर, ध्यान नाल देखो, मैंने ए बी सी दे, मैंने दो टुकड़े कर दिया, कोई भी विकर्ण खिंच दो, लो जी खिंचता मैंने, की बन गया, दो त्रिकोणां बन गया, केड़ी केड़ी, एक आ वाली ए बी सी, दूजी केड़ी त्रिकोण बन गई, जिहते मैं कलर नहीं किया, ए सी डी, त्रिकोण दे कोणां दा जोड़ आपां छोटियां क्लासां च पढ़िया वा किन्ना होंदा, पुत्तर 180, एदा ते फिर इह भी तां त्रिकोण ही आ ना, इहदा जोड़ किन्ना 180, किन्ना हो गया 360, तां आ चारे कोणां दा जोड़ किन्ना बन गया पुत्तर 360। जे कहिंदे उत्तल ना हो गए, ऐदां दी शेप हो गए, ठीक है, ये चलो पांच भुज बन गई मेरे को, एक दो तीन चार पांच बन गई, ये अपन ऐ करते हैं, एक दो तीन, ये इतनों ऐ करके ऐ करके, ठीक है, ये आ गए, ये मैंने अवतल बना दिया आपके वालों, एक दो फिर पांच बन गए, कोई आप तो देखिए अपने को पीछे पिछे बनाई थी अपने आप तो दी आवले ये डाल देना आप कंफ्यूजन क्रिएट कर ये चतुर्भुज अब एक दो तीन चार हम मेरी चीज है कोणां दा जोड़ करा तुसी डी नाल जोड़ के देखियो इहदा जोड़ भी किन्ना होगा 360 कहिंदे उत्तल होवे अवतल होवे जोड़ किन्ना होंदा 360 इहदे विच आपां कन्फ्यूजन च नहीं पैंदे बस आपां लिख दांगे हाँ हुंदा है ठीक है त्रिकोण किदां दी भी होवे आ चतुर्भुज किदां दी भी होवे ते जिहड़ा जोड़ हुंदा उह की हुंदा 360 ठीक है अगे सारणी दी जांच करो सारणी बनी है पुत्र तेरी जिम्मे मैं हूं ही किया जी कहने त्रिकोण दे तिने कोणां जोड़ किन्ना होंदा 180 त्रिकोण ते कोणां दा जोड़ यह तो तुम सिद्ध करने की लोड़ ही नहीं बहुत बारी कर लिया ते जे कहने चतुर्भुज हो गए फिर किन्ना होंदा हूं ही करके दो त्रिकोणां बन गई ना किन्नियां त्रिकोणां बन गई दो
की नाम 180 गुणा 2 बराबर 360 180 एक तो मैं तो ये पांच पांच लड़ गए तो कौन दिया कर एक ही सी चतुर्भुज दे कोणा दा जोड़ हूं मैं लड़ी पांच भुज देखी जेले बनूंगी ये कोणा का जोड़ किन्ना बनू हूं मैं तो कोणा बना लगता एक दो किनिया तकोना बन गया पुत तीन एक तकोन का कि 180 तो तीन का कि होगा 540 ये कहना की चाहते ने अपन कुछ कहना चाह रहे हैं मैं था की कहना चाह रहे हैं मेरे को कि भजावा सी तीन मैंने किनी का गुणा की एक ना जे मेरे को भजावा कि चार चार भजावा सी तो मैं गुणा क्या ना की दो हम भजावा क्या ने पांच तो मैं गुणा किने ना कर दा तीन देखो उत्ते एक फार्मूला निकल के आ रहा है भी जिन्या भी भजावा ने मैं उदू दो घट लेना मैं उदू किनिया घट लेना दो तो फार्मूला की बन गया 180 गुणा भजावा दी गिनती घटाओ तो भजावा की जिनी गिनती ओदे विचों किन्ने घटाते दो 180 गुणा भजावा मतलब मैं की लिखता एन किन्ना लिखता एन घटाओ उरे एन किन्ना सी एन की है भजावा की गिनती एन किन्ना सी चार तो मैंने किन्ना गुणा किया दो नाल उरे एन किन्ना है पांच एक दो तीन चार पांच मैं घटा दा पांच तो मैंने गुणा किन्ना किया तीन समझ लियो ठीक है हूँ ये पूछते हैं अपने तो हम आए तो आप बनाई चलना भी थक जाएंगे ना कह रहे जी सत्त भुज हो गए सत्त भुज दे कोणा दा जोड़ दा हूँ मैंने फार्मूला सिखाया से पुत 180 गुणा किन्ने नाल करा जिन्निया भजावा ने उदू दो घट किन्निया भजावा ने सत्त किन्निया घटा दो पिछों दो 180 गुणा 5 कितना आ गया 900 180 गुणा 5 कितना आ गया 900 देख लो तब लग रहा समझ वेरी गुड हूँ 7 की जगह तो कहती 8 हूँ लो जी 8 ले लो फिर कितना बन जुड़े 8 फार्मूला आई हो रहा ना केड़ा 180 गुणा एन घटाओ अठा से दो कटिए छे तां 180 गुणा छे 18 एकम 18 18 दुना 36 18 दी 54 18 चौक 72 18 पांच 90 18 छी 108 मान लगी लागी 0 हुण भजावा जे 10 हों जे ते 10 भजावा हों किन्ने भजावा हों 10 भजावा देख उहना दा जोड़ बस उरे की करदे ने 10 10 ਘਟਾਓ 2 ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 8 18 8 144 1440 ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ 180 ਗੁਣਾ 8 ਤਾਂ 1440 ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ n ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਲਿਖ ਦੂ ਜੇ n ਹੋਵੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਬੇਟਾ ਬਰਾਬਰ
आ ले लिया अपने तिना की लेंथ जी चार चार सेंटीमीटर है, आ ले लिया अपने तिना की लेंथ की है, मान लो चारे भुजावां की लेंथ किन्नी है पांच पांच, ये पांच भुज है, इस सारी लेंथ बराबर हो गई, मान लो किन्नी हो गई पांच पांच पांच, ऐ नहीं पांच ही लेनी है तुसी किन्नी भी ले सकते हो बस बराबर हो, तां जिहे तिन्ने भुजावां बराबर ने इहनूं की बोलिया जांदा है समभुजी त्रिभुज, सम मतलब समान, भुजी मतलब भुजावां, भुज भुजावां, त्रिभुज का मतलब है त्रिकोण, तीन भुजावां वाली त्रिकोण, चार भुजावां बराबर होने नूं की बोलते हैं वर्ग, इहनूं समचतुर्भुज भी कह दिंदे ने, परंतु एक चीज याद रखनी है समचतुर्भुज दे चारे भुजावां बराबर होंदियां ने, समचतुर्भुज दी शक्ल भी देखो इदां दी होंदी है बर्फी टाइप, परंतु इहदे जिहड़े चारे कोण ने ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਹ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾ ਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਇਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਇਤ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਇਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਣ ਨੱਬੇ ਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੇਵਲ ਵਰਗ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮ ਛੇ ਭੁਜ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਛੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਮ ਛੇ ਭੁਜ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੋ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮ ਭੁਜ ਤਿਕੋਣ, ਚਾਰ ਭਿਆਵਾਂ ਵਰਗ, ਛੇ ਭਿਆਵਾਂ ਸਮ ਛੇ ਭੁਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੱਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੱਬੇ ਡਿਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੱਬੀ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੱਬੇ ਡਿਗਰੀ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮ ਕੋਣ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇ ਆਹ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਊਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਹ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਚਾਰ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ, ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ, ਲੈ ਜੋੜੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਐਕਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਤਿੰਨ ਸੌ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਚ ਐਕਸ ਪਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ, ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕੱਢੀਏ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੱਠ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਤਾਹ ਨੱਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਰੇਖੀ ਜੋੜੀ ਸੱਤਵੀਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੱਬੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨੱਬੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੱਬੇ ਜੋੜ ਸੱਠ ਜੋੜ ਸੱਤਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੋੜ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ, ਤਾਂ ਨੱਬੇ ਦੇ ਸੱਠ ਡੂਢ ਸੌ, ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਤੇ ਸੱਤਰ ਦੋ ਸੌ ਤੀਹ,
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ x 360 ਘਟਾਓ 200 d ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 70 ਦੇ 90 160 ਤੇ 60 220 ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 140 ਪਾ ਦੋ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਸਿਖਾਤਾ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨੋ ਸਰ ਵੈਰੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 7th ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆ ਤੀਹ ਦਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੁਜ ਹੈ 1 2 3 4 ਤੇ 5 5 ਭੁਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਚ 5 ਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ 180 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ 2 ਕੱਟ ਕਾਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਭੁਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਭੁਜ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਨਾਲ 504 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 70 ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ 180 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 110 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 60 ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 120 ਦਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੀ 70 ਜੋੜ ਏ ਬਰਾਬਰ 180 ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੇਖੀ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਘਟਾਓ 70 ਬਰਾਬਰ 110 ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 180 ਘਟਾਓ 60 ਬਰਾਬਰ 120 ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਕੁਛ ਬਚੇ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਜੋੜੀਏ ਹੁਣ ਕੋਣ 110 ਜੋੜ 120 ਜੋੜ x ਜੋੜ 30 ਜੋੜ x ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਜੁੜ ਗਏ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ 504 ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਵਾਲਾ ਐਕਸਾ ਜੁੜਨਗੇ ਜੇ ਐਕਸਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਾ ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 110 ਤੇ 120 230 230 ਤੇ 30 260 ਇੱਕ ਐਕਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਾ ਐਕਸਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਐਕਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘਟਾ ਦੋ ਤੇ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 280 ਤਾਂ ਦੋ ਐਕਸਾ 280 ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜੂ ਕਿੰਨਾ 104 ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪੀ ਗਈ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉਲਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੀਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜੇ ਭਜਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ x ਇਹ x ਆ ਵੀ x ਆ ਵੀ x ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਤੇ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਭੁਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 540 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ x ਬਣ ਗਈ 1 2 3 4 5 ਕਿੰਨਾ 504 ਤਾਂ 1 x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 540 ਬੰਦੇ 5 ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ।
कोई ये टेंशन नहीं है कुछ नहीं, दो सवाल रह गए और मिनट पर मिट्टी कर लेने हैं ठीक है। इस तो बात की है एमए एक ट्रायंगल की बनी बस ट्रायंगल दिया तीनों पे आमाने को तीनों को बता था आ गए थे 90 आ गए थे 30 कह दिया दसो एक्स वाई कह दिया दसो कितना हो एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड का मतलब कितना हो जवानी देखिए फिर आप लिख भी ला पाए जवानी देख आ कितने का 30 का आ कितने का 90 का लो जी इनमें ए ए कितने का हो ए 90 30 ए बराबर 180 90 ते 30 120 ता ए कितना हो गया 180 घटाओ 120 बराबर 60 जवानी कर ले से बच्चे ने 30 ते 90 कहते जी 120 ता कितने बच गए 60 बड़ा सौखा सवाल से ता ए अपन को पता ही है आ 90 ता कितना हो 90 आ 60 ता कितना हो 120 आ 30 ता कितना हो 200 किने कीता x जोड़ 90 बराबर 180 तो x बराबर 180 घटाओ 90 बराबर 90 कारण क्यों 180 सी मैं पहला दस्या सी पुत्र की ने रेखी जोड़ी कोण केड़े कोण ने रेखी जोड़ी कोण बस उद्दवा चीज से तरह ये बड़ा बढ़िया हथियार है पुत्र इसे तरह इनू बत्ते करो 22 बराबर 150 जेड बराबर 120 क्योंकि अगे तुसी हुण एनएमएमएस दे कंपटीशन भी लड़ने हैं ना वैसे थोनू बहुत सौखा हो थोड़ा फास्ट एक्स जोड़ बाई जोड़ जेड 90 जोड़ 150 जोड़ 120 90 ते 150 240 120 किन्ने बन गए 360 तत् कोण दे बाहरले कोण वाला जोड़ किन्ना आ गया मेरे को 360 ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਸ ਐਕਸ ਡਬਲ ਯੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੈਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੌਣ 60 ਦਾ 80 ਦਾ 120 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 80 ਤੇ 120 200 200 ਤੇ 60 260 ਚਤਰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 360 ਤਾਂ 260 60 ਜੋੜ 80 ਜੋੜ 120 ਜੋੜ a ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360 ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 140 ਤੇ 120 260 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਤ 100 ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇਹ 80 100 60 ਟੋਟਲ 180 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 120 ਕਿੰਨਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਤੇ 60 180 100 ਤੇ 80 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋੜੋ x ਜੋੜ y ਜੋੜ z ਜੋੜ w ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਜੋੜ 100 ਜੋੜ 120 ਜੋੜ 80 ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜੋੜਿਆ 160 280 ਤੇ 80 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋੜ 360 ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 360 ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ ਤਿੰਨ ਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਰ ਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ ਪੰਜ ਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ ਛੇ ਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 360 ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗਾ
ठीक है। हुण समझ गए बेटा तीन प्रोडिक नंबर ऐसे तरह ही आप अगले मतलब अपने लैक्चर तीन पॉइंट दो अभ्यास करांगे ताकि चंगी तरह समझ लग जाए थोड़ा टाइम अपनी वीडियो लंबी बन गई तो इन सबसक्राइब कर लियो ताकि मतलब जो तीन पॉइंट दो नंबर ही मैं पाऊंगा पता लग जाए भी हाँ तीन पॉइंट दो नंबर। धन्यवाद।